ओम श्री नारायण। सबको मेरा नमस्कार। आज हम बहुत ही विशिष्ट पूजा के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं, वो है चरणामृत। चरणामृत सभी भगवानों को चढ़ाया जाता है और सभी भगवान इससे इस प्रसाद से काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चरणामृत बनाने के लिए काजू, किशमिश, बादाम और नारियल का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है। काजू को, नारियल को, नारियल अगर आपका कुटा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उसे भी बारीक काटना है। काजू को दरदरा पीस लेना है इस ढंग से, बादाम को भी इस ढंग से थोड़ा दरदरा कर लेना है और सारे पंचमेवा को अच्छे तरह से मिक्स करके रखना है। आप रात में इसकी तैयारी कर लें ताकि सुबह में आप आसानी से प्रसाद तैयार कर सकें। तो पंचमेवा की तैयारी आप रात में ही कर लें और उसे अलग रख दें, सुरक्षित रखें। लास्ट में नारियल का पाउडर मैंने इस्तेमाल किया है तो उसे लास्ट में मैंने ऐड किया है। अब इसमें पड़ेगा गंगा जल, दही जो गाय के दूध का है, गाय का कच्चा दूध और मधु। ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से अकॉर्डिंग मैंने दही जमाया था और दही मिलाने के बाद उसमें पड़ जाएगा गाय का कच्चा दूध। अब इसमें थोड़ा सा पड़ जाएगा गंगा जल। अब थोड़ा मुझे इसमें मधु डालना है, 1 स्पून के हिसाब से मधु इसमें डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब इसमें पड़ेगा चीनी। मिठास के लिए चीनी बहुत ही ज़रूरी है, तो चीनी मैंने प्रसाद के अकॉर्डिंग ही उतने ही क्वांटिटी में लिया है जिससे वो मीठा हो जाए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। चरणामृत बनकर तैयार है और इसमें लास्ट में डालना है तुलसी का पत्र। ये ध्यान रखना है कि चरणामृत शिवलिंग पर अगर चढ़ाना है, शिव जी को प्रसाद चढ़ाना है, तो उसमें तुलसी पत्र नहीं डाला जाएगा क्योंकि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ता है। तो ये लीजिए, प्रसाद तैयार है। आप शालिग्राम जी पर इसको चढ़ाएं। सत्यनारायण भगवान के पूजा में चरणामृत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस तरह से सबको प्रसाद खिलाएं। उम्मीद है कि ये रेसिपी, ये प्रसाद बनाने की विधि आप सबों को बहुत ही पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी मदद मिलेंगे कि चरणामृत कैसे बनता है। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।